हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कारिया और आप देख रहे हैं पास्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ आईटीआई का चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं वायर मेन ट्रेड का आईटीआई का जो थियरी का क्वेश्चन पेपर है जो अगस्त 2015 में पूछा गया है। और ये पेपर मैंने इस चैनल पे पहले अपलोड किया था लेकिन वो गुजराती में किया था, तो मुझे कमेंट मिला है कि हिंदी में बताइए, तो आज फिर से हिंदी में डालते हैं। तो पहला प्रश्न है, इन ए ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एंड लैक्स प्राइमरी वोल्टेज वी वन बाय, यानी के ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम मैग्नीट्यूड में कम और प्राइमरी वोल्टेज वी वन कितना पीछे होता है। तो इसका ऑप्शन 80, 90, 95 या 100 में से आप चुन सकते हैं। और है सेकंड, नेक्स्ट, इन ट्रांसफार्मर लेमिनेटिंग मटेरियल हैव एन एलॉय ऑफ, यानी के ट्रांसफार्मर में लेमिनेटिंग मटेरियल किसका मिश्र धातु होता है। तो ये सिलिकॉन और आयन के जो परसेंटेज दिए हैं वो 4 में से चुनना है। थर्ड है क्वेश्चन, द लार्ज लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर कॉजेस, यानी के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का लीकेज का कारण क्या है। और नेक्स्ट है, नो लोड करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी स्मॉल विच इज, यानी कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का लोड ज़्यादा कम है इसलिए, जिसका कारण ये 4 में से आपको चुनना है। और क्वेश्चन 5 है, द ट्रांसफार्मर ब्रेथर एक्सप्लोजन वेंट डायाफ्राम इज एनक्लोज विथ, यानी कि ट्रांसफार्मर ब्रेथर एक्सप्लोजन वेंट डायाफ्राम किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, कांच, कॉपर, जिंक या पेपर। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 6, तो द आरएमएस यानी कि आरएमएस मान है किसका मान है, औसत मान। और क्वेश्चन नंबर है 7, ट्रांसफार्मर रेशियो के इस, यानी कि ट्रांसफार्मर का अनुपात के इन 4 में से कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें द परमेबिलिटी म्यू इज, पारगम्यता म्यू क्या है, एच बाई बी, पी बाई एच या एच बाई एल। क्वेश्चन 9 है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी इम्पीडेंस किसके द्वारा दी गई है, जो इस 4 में से आप चुन लेना। 10 है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम कार्यक्षमता तब होती है जब तांबा क्षय लोड क्षय या लो क्षय बराबर है तांबा क्षय या ये सी डी। और 11 है, नो लोड परीक्षण खालिज्य को जांचने के लिए किया जाता है, लोक्षय, तांबा, एडी करंट या हिस्टोरेसिस।
और क्वेश्चन नंबर है 12, तो इसमें है प्रयोग में सामान्यतः किस में विद्युत रोधी इंसुलेटर है, यानी कि कॉमन टाइप ऑफ इंसुलेटर इन यूज आर। और थर्ड है, 13 नंबर है, 13 ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्ट सेट में खाली गैस से निर्मित सेल निहित होते हैं, ग्लास, रबर, पेपर, माइका। और नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए आवधिक तौर पर किए जाने वाले ऑयल टेस्ट की संख्या कितनी है, तो 2, 3, 4 या 5 क्या है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट वोल्टेज की विभिन्नता खाली गया हो सकती है, तो ये 60 से 69 केवी तक का दिया गया है। और 16वां प्रश्न है, नया फिल्टर नहीं किए हुए ट्रांसफार्मर ऑयल की विद्युत शक्ति कितनी है, 37 से 30 तक की आरएमएस है। 17 है, ट्रांसफार्मर ऑयल का 0.2 अम्ली मान हल्के रंग को दर्शाता है, काला, हरा, पीला या नारंगी। 18 का है, ऑटो ट्रांसफार्मर मुख्यतः खालिज्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये 4 में से आप चुन सकते हैं। और है 19, तो इसमें एक ड्राई सिलिकॉन का जेल का रंग क्या है, गुलाबी, नीला, लाल या श्वेत। 20 है क्वेश्चन नंबर, तो इसमें नमी से संदूषण को कम करने के लिए उपलब्ध विधियां कितनी है। और 21 है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज विनिमय कितना है, तो ये 4 में से आप चुन लें। 22 है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ने के संभावित तरीके कितने हैं। 23 है, ट्रांसफार्मर कोर को जोड़ने के लिए पश्चात प्रयुक्त टेस्ट वोल्टेज कितने हैं। 24 है कि एक बुच्छोल को रिले के दो फ्लोट ए बी है, फ्लोट ए का प्रकार यह खलिज्य को परिचालित करना है। नेक्स्ट है 25, निर्माण के अनुसार सबस्टेशन के खालिज्य प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, 2, 4, 3, 1 या। 26 में है, वितरण सबस्टेशन वोल्टेज को आपूरित विद्युत पावर लाइन खालिज्य है। 27, पोल माउंटेड सबस्टेशन का प्रयोग सामान्यतः खालिज्य तक के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। 28 है, सामान्य प्रयोग में सर्किट ब्रेकर के प्रकार खालिज्य है, ओबीसी को खोलकर लिखने पर वह खालिज्य होगा, ओसीबी को खोलकर लिखने का, और ये 4 में से चुनना है। 30 नंबर है, 11 केवी सप्लाई एक गैंग आइसोलेटर के माध्यम से जोड़ी गई है, जिसे खालिज्य के तौर पर जाना जाता है। 31 है, एमसीबी का विस्तृत रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एमसीसीबी क्या है, तो ये आपको चुनना है। और रहेगा नेक्स्ट, देखते हैं तो 32, उसमें है खालिज्य का निर्धारण लोड पार करने की स्थिति में सबस्टेशन स्थापित किए जाते हैं, और टीपीआई टीपीआईसी
स्विच खाली जगह पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो कितने वोल्ट पर रहेगा? और 34 में है लाइटनिंग एरेस्टर तड़ी निरोधक में 4.2 mm व्यास के लेड पेरोक्साइड की परत छोले सरे होते हैं जो खाली के कॉलम में क्रमबद्ध है। 35 यदि तापमान से अधिक तापमान खाली जिया से अधिक हो जाए तो पैलेट किस्म में लेड पेरोक्साइड निरोधक एक विद्युत इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। श्रृंग अंतराल निरोधक हॉर्न गैप एरेस्टर कम अच्छे है चूंकि वह खाली जगह के लिए प्रवृत्त है। 37 लाइटनिंग एरेस्टर खाली जगह से उठने वाली अधिक वोल्टेज को विस्थापित करते थे। 38 लेड एसिड सेल में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है इस चार में से? और है 39 क्वेश्चन नंबर 39। तो एलसीबी खाली के द्वारा रिपेयरिंग क्षमताएं प्रदान करता है। 14 है पूर्णतः अवशेषित चार्ज बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना है? 41 निकल आयन सेल की पॉजिटिव प्लेट खाली जैसे बनी होती है। सिंगल केबल बिछाने के लिए ट्रेंच की न्यूनतम चौड़ाई खाली जगह होनी चाहिए। ओवरचार्ज होने अथवा डिस्चार्ज के कारण बैटरी में प्लेटों का मुड़ना खाली जगह कहलाता है। 44 इस्तेमाल में न आने वाले सेल खाली जगह का कारण बनते हैं। 45 एक सेल की क्षमता कितने अधिक अभिव्यक्त खाली जगह में अभिव्यक्त की जाती है? एम्पियर में उसका नेक्स्ट देखते हैं। 46 तो लेड एसिड सेल पॉजिटिव प्लेट होती है। लेड एसिड सेल पॉजिटिव प्लेट खाली जगह से निर्मित होती है। 47 सायरन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हर्ट्ज में? और बैटरी ट्रिकल चार्जिंग की दर कितनी है? 38 सेंटीग्रेड पर एक पूरी तरह अवशेषित बैटरी अपना चार्ज खाली जगह में खो देगी कितने दिनों में? और 15 और लास्ट